बीमार है क्या? हो गया बीमारी के लिए ऐसा? उल्टियाँ। उल्टियाँ क्यों? रीजन क्या है? गर्मी हो जाती है। गर्मी हो जाती है। हेलो गाइस, राम राम, सत श्री अकाल व आदाब। आप सब, मैं आपका भाई गोलू आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो की शुरुआत जो है हम बाइक से कर रहे हैं, अपनी ड्यूक से। काफी दिन से घर पे ही थी तो मैंने चलाई नहीं, तो आज फाइनली सोचा कि आज इसे मैं काम पे लेके जाता हूं। उसमें जो मुझे दूध वगैरह मार्केट में देना होता है भाई साहब, वो सब दे दिया दूध, तो निकल चुके हैं घर से। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम भी काफी रोमांटिक है। जब सामने से देख रहे हो फॉग कितनी ज्यादा, भाई सामने का इलाका बिल्कुल नहीं दिख रहा, काफी मस्त लग रहा है भाई। और अभी देखो कंपनी के नाइट शिफ्ट के वर्कर सभी वापस जा रहे हैं और हम भी जो है काम की तरफ निकल रहे हैं। भाई साहब बाइक में तेल नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, तो अब क्या पता यहीं पे खड़ी हो जाए, पेट्रोल लाना पड़े। इस पोर्टल में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम यहां से जाएंगे, बायो पैट्रिक वगैरह लगाएंगे ऊपर, उसके बाद हम पीछे क्रशर पर जाएंगे। क्या हाल है भाई? बढ़िया हो भाई? कैसे हो? बस बढ़िया। दूसरे भाई भी, भाई कैसे हो? बस ठीक है, आप सुनाओ। ठीक है भाई, तो भाई चला रहे हैं आज हाजिद भाई की गाड़ी 10 चक्का। तो बारिश लग चुकी है, हमारे साथ हमारे पवन उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या हाल है आपका? ठीक है महाराज, ठीक है, बढ़िया है। तो उस्ताद की गाड़ी यहाँ पे, बाकी भी सब गाड़ियाँ यहाँ पे यार्ड में लगी हुई है, यहाँ पे लोडर है, लेकिन अपनी गाड़ी को ढूंढना पड़ेगा। मन्नू जी हमारे यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कॉल स्टार्ट की हुई है, अपनी गाड़ी वो रही सामने। मन्नू जी क्या हाल है आपका? बढ़िया हो? और कौन है साथ? अकेले है सर। हमारे साथ भी कोई नहीं, हम भी अकेले हैं। गाड़ी को धोना था यार, गाड़ी की हालत जो है ना गाइस खराब हो चुकी है। ये देखो बारिश लगी है रात में, सबसे पहले यार कमानी वगैरह चेक करनी पड़ती है, कोई पटा वगैरह तो नहीं टूटा। तो यहाँ से ये देखो हालत कैसे, यहाँ से भी हालत खराब है भाई, और यहाँ से पटे वगैरह कमानी सब ओके, लेकिन गाड़ी को ना भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अभी बारिश वगैरह खड़ी हो गई, उसके बाद जो है गाड़ी को अच्छे से वॉश करेंगे। बाकी विशाल भाई की गाड़ी है साथ में लगी हुई है, अब निकलते हैं गाइस यहाँ से ऊपर जाना है, बोल्डर वगैरह लाने, कुछ गलत मटेरियल चला गया उधर, उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है मलोरी की तरफ निकले। तो कंपनी में भाई साहब सबसे पहले शुरुआत ऐसे ही होती है, सबसे पहले डेट वगैरह लिखनी पड़ती है, और डे शिफ्ट में जो बंदा काम करता है उसका नाम वगैरह, महीना, गाड़ी नंबर लिखना पड़ता है, और किलोमीटर वगैरह लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सब लिख लिया, आप इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से क्रशर पे निकलेंगे। और आगे से कुछ गाड़ियाँ आ रही है, देखिए गाइस अपनी गाड़ी में स्पीकर वगैरह तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए मैंने एक छोटा सा बफर लिया हुआ है सामने। ये आगे से यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही है, 12 चक्का आ रहा है, 10 चक्का आ रहा है। जो 12 चक्का गाइस मैं पहले चलाता था वो 12 चक्का भी आ रहा है, लेकिन गाड़ी कुछ बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो लगेगा पहुँचने में। तो सरदार जी आ रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यू भी चलते रहता है क्योंकि यहाँ की डिमांड जो है काफी ज्यादा रहती है। ये गाड़ियाँ देखिए गाइस जा रही है, और पीछे वाली गाड़ी जो थी ना वो हम चलाते थे पहले, हमारे तालिब भाई चला रहे, कौन चला रहा है, उसके बाद ये गाड़ी देखने को मिली। तालिब जी जाने दो, जाने दो। और पीछे दूसरी गाड़ी भारत गैस, ये गाड़ी गाइस पहले मैं चलाता था, ये भी अपनी फर्म की थी गाड़ी, और पीछे स्कूटी वाले देखिए गीले हो चुके हैं, बारिश काफी ज्यादा बाहर से पड़ रही है, नालियां भी जो ऊपर गाड़ी जो है लोड हो रही है, तो गाड़ी लोड होते ही हम अपनी गाड़ी को लोडिंग पॉइंट पे लगाएंगे। तो काफी ज्यादा भाइयों ने प्यार बरसाया पिछली वीडियो में, सो थैंक यू सो मच सभी भाइयों को मेरी तरफ से। काफी ज्यादा कमेंट भी आए हुए थे भाई साहब कि मैंने वीडियो एक डाला हुआ था, वीडियो बेस्ट रहेगा ट्रक व्लॉग और या कंपनी व्लॉग, कुछ भाइयों ने समझा भी मेरी मजबूरियों को, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों ने ना ही समझते कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं है किसी बात का। ऐसा है कि भाई साहब अभी जस्ट मुझे अपनी सिचुएशन को, मुझे अपनी फैमिली की सिचुएशन को देख के मुझे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर के पास में है। ठीक है, अब घर से दूर जाना कौन चाहता है, कोई नहीं। भाइयों को रोड पे चलना अच्छा लगता है, तो बेटर है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे एक दिन, जरूर जाएंगे, लेकिन वो टाइम भी आ जाएगा, थोड़े महीनों में वो टाइम भी आ जाएगा, उसके बाद जो है हम ट्रक पे जाएंगे। जब तक ये काम काज खत्म नहीं होगा, यहाँ पे टनल का प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, तब तक मैं घर पे ही रहूंगा। उसके बाद भाई साहब मैं रोड पे चला जाऊंगा कहीं किसी गाड़ी पे, देखेंगे आप वक्त क्या कहता है, वक्त के साथ साथ इंसान को भी चलना पड़ता है। तो जरूर आपको वीडियो देखने के लिए भी मिलेगी। तो इतनी सारी बात थी, पैचिंग प्लांट पे आ चुके हैं, लेकिन काफी दिन के बाद हमारे तनवीर भाई अच्छा था लेके बैठे हुए,
फिर भाई क्या हाल है आपका? सेहत ठीक है? बहुत गीले हो गए, क्या चक्कर हो गया? बारिश, इतना अच्छा मौसम, तकड़ा मौसम। लेकिन इतने दिन कहाँ रहे आप, गाय भी रहे कहीं? थोड़ा चक्कर शक्कर मारा। वेरी गुड, तो आज आके कल आए? और बाकी घर में सब ठीक है? बढ़िया बढ़िया। देखिए भाई कितने खतरनाक हो चुकी है, पर भी हमारे एक्सेवेटर जो है हमारी गाड़ी को रोक रहे हैं। बारिश जो है ना कंटिन्यू हो रही है, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तो अभी हम जो जा रहे हैं लोड करके गाड़ी को अपनी क्रशर प्लांट पे, कंटिन्यू और फॉग देख रहे हो कितना ज्यादा है, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी जगह जो है दिख रही है। ऐसे में जो है ना इंसान को शीशा जो है फ्रंट मिरर बिल्कुल साफ चाहिए। अभी बॉर्डर लोड है अपनी गाड़ी में और ये अपने यहाँ पास पेट्रोल पंप है। यहाँ से अपने चाचू जी भी आ चुके हैं गाड़ी एम्प्टी करके, आ चुके हैं क्रशर प्लांट पे, गाड़ी को अनलोड कर दिया। लेकिन भाई बारिश का रुकने का नामो निशान नहीं है। ये जहाँ से हम ऊपर आते हैं ना क्रशर पे, यहाँ पे गाड़ी भी 4x4 लगा के नहीं चल रही है। ये अभी थोड़ी बारिश हल्की सी कम हो चुकी है, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे रुके गाड़ी अनलोड करने के बाद। काफी मुश्किल से जो है गाड़ी को ऊपर चढ़ाना पड़ा। तो अभी ऐसा करेंगे, अभी फिर से हम निकलते हैं मलहूरी की तरफ। भाई क्या हाल है आपका? कहाँ जा रहे हो? कहाँ इधर कहाँ जा रहे हो? इधर कहाँ, क्या करना है यहाँ? ईस्ट पोर्टल में पहुंच चुके हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ पे अपने चमन उस्ताद की गाड़ी में। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है क्योंकि अभी खाना वगैरह पकड़ना होता है ना घर से, ना घर पे रेडी नहीं हुआ है, तो ऊपर से बरसात का मौसम भी है, तो सोचा चलो खाना वगैरह लेके ही हम जाएंगे। क्योंकि डेली ऐसे ही रहता है अपना कि खाना घर वाले पकड़ाते हैं 12:30-1 बजे के करीब, तो फिर हम वहीं से मलहूरी डंपिंग में खाना खाते हैं। जाएंगे सबसे पहले चमन उस्ताद के पास। उस्ताद जी क्या हाल है आपका? बढ़िया हो? सेहत ठीक है? टाइम पास हो रहे हैं? क्या हो गया, कंबल में बैठे हो आज आप? क्या हो गया बीमारी के लिए ऐसा? उल्टियां। क्यों, रीजन क्या है? गर्मी हो जाती है। और उस्ताद का तकिया देखो भाई, यहाँ पे बीमार हो चुके हैं हमारे चमन उस्ताद जी। तो दवाई वगैरह लाई क्या? ₹1,000 खर्चा करके दवाई लाई। कहाँ है दवाई? ये रही दवाई है, गोल्ड मेडिकल कॉर्नर। दवाई कोई मसला हल होगा नहीं होगा? हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करेंगे कि चमन उस्ताद जो है जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा रहता है जिंदगी कंपनी में, कभी बीमारी भी बीमार भी होता है, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, सभी इंसान जो है यहाँ पे मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं, हम मलहूरी डंपिंग यार्ड में आ चुके थे। फिलहाल जो है दोस्तों खाना वगैरह अपना फिनिश कर दिया, साथ में लंच टाइम था, तो लंच टाइम में ऐसा ही रहता भाई वगैरह जो है 1 घंटा मिलता है दिन में, वो जो 1 घंटा है वो हमें दिन में नहीं मिलता है। नहीं तो ऐसे अपना ड्यूटी 8 से 8 बजे तक है, मतलब 12 घंटे, लेकिन 1 घंटा उसमें हमें नहीं मिलता, हमें 11 घंटे का ही सैलरी मिलता है। तो अभी हम यहाँ से गाइस गाड़ी अपनी लोड करके निकल चुके हैं क्रशर प्लांट की तरफ। पूरे दिन का काम काज ऐसे ही रहता है, अपनी गाड़ी जो है क्रशर प्लांट की है। तो यहाँ से देखिए गाइस फॉग है आगे, बिल्कुल कुछ दिख रहा भी नहीं है ना। और ये देखिए वाइपर थोड़े तेज कर दिए हमने, क्योंकि यार ये देखो ये तो ज़्यादा ही तेज़ हो गया है ना। आराम आराम से। और पीछे से जो है गाड़ी भी आ चुकी है, तो अब निकलते हैं गाइस क्रशर की ओर। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी सब भाइयों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।